बढ़ती चली जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में भोजन ना पचे तो रोग होता है और मन में बात ना पचे तो भी रोग होता है। ये शिव पुराण है, ये भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कहता है कि अगर मन में कोई बात आपके आकर बैठ गई, कोई चीज आपने सुन ली है, बैठ गई है, तो फिर वो पच नहीं रही, तो फिर रोग उत्पन्न करेगी, फिर वो बीमारी उत्पन्न करेगी। बीमारी उत्पन्न कर देती है अगर बात ना पचे तो। जिस दिन आप किसी की सुनो और बात पच जाए, आपने सुना और बात पच जाए, तो समझ लो कि आपने जो सुना ना वो श्रेष्ठ है। स्पीकर ऑन नहीं चल रहा है क्या? खाया हुआ पच जाए तो समझ लो कि आपका शरीर ठीक है, आपका शरीर ठीक है। कोई कहे, किसी ने कुछ कहा और आप बच्चा नहीं खाया, किसी ने कुछ कहा और आप पचा नहीं पाए, तो समझ लो कि वो फिर रोग उत्पन्न कर देगा। आपके मन को, आपके चित्त को, आपकी वृत्ति को वो रमने नहीं देगा। आपके मन को, आपके चित्त को फिर वो परमात्मा में नहीं रमने देगा, भगवान की विरल भक्ति में रमने नहीं देंगे। हमने कई लोगों को देखा है और शायद आप लोगों ने भी स्मरण किया होगा, आप शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने को गए, आप भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए और उतने में कोई ने आपको टोक दिया, कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया। आप जल चढ़ाने के लिए गए, चुंगे की आवाज खुल रही है, स्पीकर की आवाज नहीं खुल रही है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। आप जल चढ़ाने के लिए गए और किसी ने टोक दिया, कुछ कह दिया, और जब किसी ने कुछ कहा टोका और वो बात आपके हृदय में रम गई, वो बात आपके चित्त में आ गई, फिर वो दिन रात हमको वो बात अंदर से खुदड़ती रहती, अंदर से खरोती रहती, फिर ना तो हमारा पूजन में मन लगता है, ना हमारा भजन में मन लगता है, ना हमारा स्मरण में मन लगता है, ना हमारा कीर्तन में मन लगता है, क्योंकि जिसने कहा है वो बात हमारे को बार बार खरोद रही है। किसी ने कुछ कह दिया है तो हमको बार बार वो बात लग रही है, वो बात हमको बार बार स्मरण में आ रही है। शिव कथा कहते भोजन उतना ग्रहण करो जितना पचा सकते हो, जितना पचा और दुनिया के लोगों की बात भी उतनी सुनो जितनी तुम्हारे मन को पचाने में आ जाए और तुम उसको पचा सको और अपने अंदर उतार लाओ। अब दुनिया तुमको ताना देती, दुनिया तुमको अपशब्द कहती, दुनिया तुमको गाली देती, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कहती, तुमसे पच नहीं रहा, क्या मतलब? रखो ही मती ना अपने हृदय में, रखो ही मती अपने दिल में, रखो ही मती अपने भीतर, उसको छोड़ो, त्यागो, उसको पटक दो बार बार। मेरा महादेव लेते
कर आए थे, शादी के तुरंत बाद शादी कर आए और सती मैया को कुंभज ऋषि की कथा सुनाने के लिए अगस्त माता के यहाँ पहुंच गए। अब शादी के तुरंत बाद कथा सुनना, शंकर जी का मन तो कथा में लग रहा था क्योंकि शिव जी कुंभज बाबा के कथा सुनने गए, दूल्हा दुल्हन दोनों कथा में बैठे हैं। कहीं कहीं पर दूल्हे का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है और कहीं कहीं दूल्हे का नहीं लगता तो दुल्हन का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का ही मन नहीं लगता, ये भी स्थिति रहती है। पंडित जी पूरे 5 अध्याय सुना देते हैं, कलावती ने लीलावती से कहा, लीलावती ने कलावती से कहा, तो वो कथा पूरी हो गई और आखिरी में फिर आरती हो जाती है, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री रेवाकांड प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय पूर्ण, तृतीय अध्याय पूर्ण और बहु अंदर से पति को कोनी मार मार कर कथा में घंटी भी बजाई जाती है क्योंकि ये दोनों उठ जा रहे हैं। केवल आपके यहाँ सत्यनारायण जी की कथा शादी के बाद हो रही है उसी में घंटी नहीं बजती है। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को जब कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ लेकर गए और कुंभज बाबा जब कथा करने लगे, कथा करते करते कुंभज बाबा बीच में चिल्ला रहे थे, हर तो महादेव जैसे चिल्लाते थे, इतने में सती मैया महादेव जी का मुख देखकर कहती थी बार बार इनको हो क्या जाता है, इतने चिल्लाते क्यों हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं कि केवल तेरे चक्कर में चिल्ला ला। रात्रि को गश्ती वाला आता है आपके कुशीनगर में आता है कि नहीं आता मैं नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो आता है। रात्रि में गश्ती वाला आता है और सीटी बजा रहा है, सीटी तो अभी अभी बजाने लगा, पहले तो चिल्लाता था जागते रहो, अब सीटी बजाने लगा कि जाग जागते रहो, अब सीटी बजाता है, पहले कहता था जागते अब कश्ती वाला क्यों चिल्लाता है जागते रहो। रात को सोओगे तो तुम्हारी तिजोरी का माल कोई चुरा के ले जाए। कश्ती वाला रात को चिल्लाता है जागते रहो और सन्न साधु गुरुजन कथाकार ब्राह्मण जन दिन में चिल्लाते हैं श्रीमद् भागवत रामायण शिव पुराण देवी भागवत गीता सुना सुना कर चिल्लाते हैं। रात को सो गए तो चोर चोरी कर कर ले जाएगा और दिन में अगर तुम भगवान की कथा में सो गए तो परमात्मा भी तुमसे दूर चला जाएगा, उसको करीब लाना, उसको अपने करीब। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दयारी ने दर्शन शंभु कथा में जरूर चले जाए पर मन भी तो लगे
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम कई लोग संसार में ऐसे हैं परमात्मा के कभी जाते हैं पर मन नहीं लगता, भगवान के पास बहुत जाते हैं पर मन नहीं लगता। आप में कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपति ना एक पत्र है दे। मेरा नाम रानी देवी बांसपार जिला बलिया से हूँ। अब बहोरवा है कि नहोरवा है वो तुम जान जाना है, ठीक है? कहीं बैठी हैं रानी देवी, कहीं बैठी आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ दिखा दो, श्री शिवाय नमस्ते। रानी देवी बांसपार जिला बलिया से हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे शरीर में 35 mm की एक गठान हो गई थी, साथ में पथरी भी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का कह दिया था और ऑपरेशन भी जल्दी ही कराने का बोला था, पर गुरुदेव एक तो गठान हो जाना शरीर के अंदर तो बड़ा सोचने में आ जाता है आज के समय में कि गठान हो गई है, ना जाने कौन सी गठान है कैसे गठान है, और जांच भी करवाने का डॉक्टर बोल रहे थे उस गठान का, और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। तब मैं वापिस अपने घर को दवाई लेकर आ गई और डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे थोड़े दिन दे दो, मैं फिर ऑपरेशन करा। डॉक्टर ने हमें 10 दिन के लिए भेज दिया, 10 दिन के बाद ऑपरेशन जरूर करा लेना, ये डॉक्टर ने बोला। और हम घर आ गए, आपकी कथा हम सुनते थे पर हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। पर आज जब शरीर में रोग आया ना गुरु जी, तब भोलेनाथ याद आया और हम भोलेनाथ जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, जल लाकर आचमन करते, उसको पी लेते, बेलपत्र खा लेते। आपने कहा था कभी कभी नंदी के पास में बैठ कर भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहा करो। हम नंदी के पास बेलपत्र लेकर बैठ जाते और शिव जी को समर्पित कर वो बेलपत्र का सेवन करते। बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव, भोलेनाथ भोलेनाथ। 10 दिन के बाद हम वापिस ऑपरेशन के लिए जाते हैं और वहां जांच कराते हैं तो मेरे शरीर में जो 35 mm की गठान थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता, आजा बेलपत्र लेकर, इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है कि 35 mm की गठान 10 दिन के अंदर गल जाए, ये आश्चर्य की बात, हो ही नहीं सकता। दूसरी बार फिर जांच करी गई और जांच में आया कि मेरे उदर में जो पथरी थी वो पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा है, ये शिव की कृपा है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव, आप कहते हो कि बाबा से जाकर अपने मन की बात कहना चाहिए, पर मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूँ गुरुदेव, बाबा से जाकर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा अपने बच्चों का चेहरा देखकर पहचान जाता है किसी को क्या चाहिए। ये शिव है, ये शंभु, ये ओखड़ी, शिव चक्रवर्ती, ये ओखड़दानी है। और तेरी कृपा बिना ना हिले लेते हैं स्वास।
मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपड़ी जल हम शिव को समर्पित कर रहे हैं। वो जल नहीं है, वो औषधि है। शंकर जी का एक नाम है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, मौत पर भी विजय प्राप्त करने वाला। जो मृत्यु को जीत रहा है, जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर रहा है, जो मृत्यु को भी जीत कर बैठा है, वह महामृत्युंजय।